हेलो दोस्तों, व्हाट इज ई संचित, क्या होता है ये ई संचित पोर्टल, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। माइसेल्फ अमित मुलानी फ्रॉम अमित मुलानी एंड टीम, इंटरनेशनल ट्रेड एडवाइजर, एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर। दोस्तों, जब आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में समझ रहे हैं तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप इंडिया से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं तो इनकी जो लीगालिटीज़ होती है और इनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कहाँ पे अपलोड किए जाते हैं एंड पूरा प्रोसेस कहाँ से रन करता है। तो चलिए आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये ई संचित पोर्टल किस तरह से आपके डॉक्यूमेंट को रिसीव करता है एंड उसको प्रोसेस करता है। माई फ्रेंड, ई संचित पोर्टल ये 2017 में CBEC के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। CBEC का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, यानी कि जो बोर्ड पूरे इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की रिगार्डिंग जितना भी डॉक्यूमेंटेशन होता है उनको मैनेज करता है। दोस्तों, 2017 के पहले एक्चुअली ये प्रोसेस बहुत ही कम पोर्ट पे होता था और वो भी पूरा शटर्ड था, लेकिन 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेंट्रल ई संचित पोर्टल लॉन्च किया जिससे कि पूरे इंडिया के कोई भी पोर्ट से अगर एक्सपोर्टर या तो इंपोर्टर अपने डॉक्यूमेंट्स को लॉन्च करना चाहता है तो वो ई संचित पोर्टल से कर सकता है। दोस्तों, ई संचित पोर्टल लॉन्च करने के पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न था वो एक ही था कि विदाउट पेपर, यानी कि पेपरलेस आपका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रोसेस हो, जिनसे कि हम अपने टाइम को बचा पाए और फास्ट मोमेंट में ट्रांसपेरेंटली अपनी प्रोसेस को कंप्लीट कर पाए। चाहे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, चाहे आप इंपोर्ट कर रहे हो, अगर आप अपना शिपिंग बिल फाइल करना चाहते हो या तो अगर बिल ऑफ एंट्री फाइल करना चाहते हो, आपको ये प्रोसेस ई संचित से ही करना पड़ेगा। माई फ्रेंड, ई संचित को ऑपरेट करने के लिए एक्चुअली आइस गेट की वेबसाइट के ऊपर आपको इसकी विंडो दी गई है और इसे हम बोलते हैं इंडियन कस्टम सिंगल विंडो, जिनके थ्रू आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की रिगार्डिंग जितनी भी लीगालिटीज़ हैं, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है उनको क्लियर कर सकते हो। इनकी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आगे आपको एक वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ई संचित पोर्टल पे कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप खुद भी आइस गेट की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको अपना आईडी पासवर्ड तैयार करना है और जिनके पास आई कोड है और आइस गेट के ऊपर रजिस्टर्ड है वही बंदा ई संचित के ऊपर अपना प्रोसेस कर सकता है। एक्चुअली ई संचित पोर्टल को इसलिए लाया गया जिससे कि कस्टम डिपार्टमेंट या तो उनकी एजेंसी और एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में जो फिजिकल इंटरफेस होता था उसको कहीं पे मिटा दिया जाए, जिससे कि जो प्रोसेस है वो फास्ट मोमेंट में हो, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगा तो आपको कहीं पे भी फिजिकल जाने की ज़रूरत नहीं होगी एंड इस केस में अल्टीमेटली टाइम सेविंग के साथ फास्ट मोमेंट में हम क्लियरेंस कर पाए। तो दोस्तों, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की रिगार्डिंग ऐसी मज़ेदार इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं अमित मुलानी एंड टीम के साथ, और ऐसे ही मोर वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।